बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.9 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.9 एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 1 3x-1 इज इक्वल 8। अब यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 कोफिशेंट है, x वेरिएबल है, यहाँ पे 1 और 8 कॉन्स्टेंट है। सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट को सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले -1 को सॉल्व करेंगे। इस बात को आपने माइंड में रखना है, लीनियर इक्वेशन में आपने बैलेंस्ड वैल्यू लेनी होती है। -1 को सॉल्व करने के लिए हमने बोथ साइड दोनों तरफ इक्वल की, दोनों तरफ +1 को राइट करेंगे ताकि -1 को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे राइट करेंगे 3x। -1 को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड राइट करेंगे +1, 8+1 इक्वल की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड +1 को राइट करेंगे, -+-1 के साथ ऑफ हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू 3x इज इक्वल 8 में 1 ऐड करेंगे 9। अब यहाँ पे x के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ कोफिशेंट है 3। अब यहाँ पे 3 को सॉल्व करने के लिए इक्वल की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 3 के साथ डिवाइड करेंगे ताकि इस 3 को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे राइट करेंगे 3x, डिवाइड करेंगे 3 के साथ इज इक्वल 9/3। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 9, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 3। x इज इक्वल 3, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 7x इज इक्वल 60+2x। अब यहाँ पे 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और 2 कोफिशेंट है, 60 कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले 2x को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन है प्लस का, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल की -2 राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 7x-2x इज इक्वल 60+2x-2x, +-2x 2x के साथ ऑफ हो जाएगा, 7x में से माइनस करेंगे 2x, रिमेनिंग वैल्यू 5x इज इक्वल 60। एक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड 5 के साथ करेंगे डिवाइड, 5x/5 इज इक्वल 60/5। 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 2 10, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 12। एक्स इज इक्वल 12, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 5x+4 इज इक्वल 2x+17। अब यहाँ पे सबसे पहले 2x को सॉल्व करेंगे, 2x के साथ प्लस का साइन है, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ -2x राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 5x-2x+4 इज इक्वल, यहाँ पे भी राइट किया -2x, यहाँ पे भी राइट करेंगे 2x-2x+17। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी राइट किया -2x, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट किया -2x, 5x में से माइनस करेंगे 2x, रिमेनिंग वैल्यू 3x+4 इज इक्वल 2x, 2x के साथ ऑफ हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू 17। अब यहाँ पे हमने सॉल्व करना है 4 को, यहाँ पे 4 के साथ साइन है प्लस का, दोनों तरफ -4 राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 3x+4-4 इज इक्वल 17-4, +-4 के साथ ऑफ हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू 3x इज इक्वल 17 में से 4 माइनस करेंगे 13। एक्स के साथ 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3x/3 इज इक्वल 13/3, 3 1 3 3 1 3, रिमेनिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल 13/3, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5x+11 इज इक्वल 20x-64। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने 20x को सॉल्व करना है, यहाँ पे 20x के साथ साइन है प्लस का, तो दोनों तरफ राइट करेंगे -20x, यहाँ पे राइट करेंगे 5x-20x+11 इज इक्वल 20x-20x-64। 20x-20x ये ऑफ हो जाएगी वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे +-, 20x में से 5x माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू -15x+11 इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे -64।
अब यहाँ पे प्लस 11 राइट है, प्लस 11 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ माइनस 11 राइट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 15x प्लस 11 माइनस 11 इज इक्वल माइनस 64 माइनस 11। प्लस माइनस माइनस 11 11 के साथ ऑफ हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू माइनस 15x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 64 में 11 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 75। एक्स के साथ कोफिशेंट है 15, 15 को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड 15 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 15x डिवाइड बाय 15 इज इक्वल माइनस 75 डिवाइड बाय 15। 15 वन द 15, 15 वन द 15, 15 वन द 15, 15 5 द 75। रिमेनिंग वैल्यू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 5, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। रिमेनिंग वैल्यू इज माइनस को माइनस के साथ ऑफ कर देंगे, एक्स इज इक्वल 5, इट इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5-3, 2x माइनस 5 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 21। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 5 के साथ। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6, एक्स माइनस 3 5 द 15 इज इक्वल 21। अब यहाँ पे माइनस 15 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ राइट करेंगे प्लस 15। यहाँ पे राइट करेंगे 6x माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल 21 प्लस 15। माइनस प्लस माइनस 15 15 के साथ ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू 6x इज इक्वल 21 में 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 36। एक्स के साथ कोफिशेंट है 6, 6 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 6x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 36 डिवाइड बाय 6। 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 6 द 36। रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 6, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6-3, मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 5 माइनस 2x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 के साथ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 2 द 6 इज इक्वल 5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6। अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस 2x को सॉल्व करेंगे बोथ साइड प्लस 2x राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल 5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 6। माइनस 2x प्लस 2x के साथ ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, 3x में 2x ऐड करेंगे, 5x प्लस 6 इज इक्वल 5 में 6 ऐड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 11। अब यहाँ पे हमने 6 को सॉल्व करना है, प्लस 6 है यहाँ पे, दोनों तरफ राइट करेंगे माइनस 6। यहाँ पे राइट करेंगे 5x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल 11 माइनस 6। प्लस माइनस माइनस 6 के साथ ऑफ हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू 5x इज इक्वल 11 में से 6 माइनस करेंगे 5। अब यहाँ पे x वेरिएबल के साथ कोफिशेंट है 5, 5 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल 5 डिवाइड बाय 5। 5 वन द 5, 5 वन द 5, 5 वन द 5, 5 वन द 5। रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 1, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7-3x मल्टीप्लाई x प्लस 8 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इंटू ब्रैकेट प्लस 10x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 8 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 को x के साथ, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 8 द 24 इज इक्वल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, 2x प्लस 2 3 द 6 प्लस 10x। अब यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल 2x में ऐड करेंगे 10x तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 12x प्लस 6। अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस 3x को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ राइट करेंगे प्लस 3x, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 3x प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल 12x प्लस 3x प्लस 6। माइनस प्लस माइनस 3x के साथ ऑफ हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 24 इज इक्वल 12x में 3x ऐड करेंगे 15x प्लस 6।
अब यहाँ पे हमने प्लस सिक्स को सॉल्व करना है, दोनों तरफ माइनस सिक्स राइट करेंगे, माइनस 24 माइनस सिक्स इज इक्वल 15x, प्लस सिक्स माइनस सिक्स, प्लस सिक्स माइनस सिक्स के साथ ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे राइट करेंगे माइनस माइनस प्लस, 24 में सिक्स ऐड करेंगे, माइनस 30 इज इक्वल 15x। एक्स के साथ यहाँ पे वैल्यू है 15, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, बोथ साइड डिवाइड करेंगे 15 के साथ, माइनस 30 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल 15x डिवाइड बाय 15, 15 वन द 15, 15 वन द 15, 15 वन द 15, 15 टू द 30। यहाँ पे राइट करेंगे रिमेनिंग वैल्यू माइनस 2, रिमेनिंग वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल एक्स, एक्स इज इक्वल माइनस 2, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 8 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 2x माइनस 2, एक्स प्लस 3 इंटू ब्रैकेट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 टू द 6x माइनस 3 एट द 24 इज इक्वल 2x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6। अब यहाँ पे राइट करेंगे 6x माइनस 24 इज इक्वल 2x ऑफ हो जाएगा 2x के साथ, 2x माइनस 2x तो ये वैल्यू ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू इज माइनस 6। अब यहाँ पे हमने 24 को सॉल्व करना है, माइनस 24 है तो दोनों तरफ राइट करेंगे प्लस 24, 6x माइनस 24 प्लस 24 इज इक्वल माइनस 6 प्लस 24, माइनस 24 प्लस 24 के साथ ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू 6x इज इक्वल माइनस प्लस माइनस, 24 में से 6 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 18। एक्स के साथ कोफिशेंट है 6, 6 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 18 डिवाइड बाय 6, 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 थ्री द 18, रिमेनिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल 3, एक्स इज इक्वल 3, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4x माइनस 12 इंटू ब्रैकेट, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2x माइनस 2 3 द 6 इज इक्वल 2 4 द 8x माइनस 12 2 द 24। 2x को सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ हम राइट करेंगे माइनस 2x, यहाँ पे राइट करेंगे 2x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल 8x माइनस 2x माइनस 24, 2x प्लस में है 2x माइनस में है, ये वैल्यू ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू माइनस 6 इज इक्वल 8x में से 2x माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 6x माइनस 24। अब यहाँ पे हमने सॉल्व करना है 24 को, यहाँ पे राइट है माइनस 24, दोनों तरफ राइट करेंगे प्लस 24, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस 6 प्लस 24 इज इक्वल 6x माइनस 24 प्लस 24, 24 24 के साथ ऑफ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 6 को माइनस करेंगे, 18 इज इक्वल 6x, एक्स के साथ 6 है, 6 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 18 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल 6x डिवाइड बाय 6, 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 वन द 6, 6 थ्री द 18, रिमेनिंग वैल्यू 3 इज इक्वल एक्स, एक्स इज इक्वल 3, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 6 माइनस 2 बाय 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 इंटू ब्रैकेट इज इक्वल 4x, 2 बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 6 माइनस 2x डिवाइड बाय 3, प्लस माइनस माइनस 2 5 द 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल 4x। अब यहाँ पे 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, तमाम टर्म्स को तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ क्योंकि यहाँ पे एलसीएम होगा 3, यहाँ पे राइट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 4x मल्टीप्लाई 3, तमाम वैल्यूज़ को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है एलसीएम 3 की वजह से, यहाँ पे राइट करेंगे 3 वन द 3, 3 वन द 3, 3 वन द 3, 3 वन द 3, 6 3 द 18 माइनस रिमेनिंग वैल्यू 2x माइनस
10 इज इक्वल 4 × 3 = 12 x। माइनस 2x को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बोथ साइड प्लस 2x राइट करेंगे, 18 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल 12x प्लस 2x। 2x 2x के साथ ऑफ हो जाएगा, 18 में से 10 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू 8 इज इक्वल 12x में 2x ऐड करेंगे 14x। 14x को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 14 के साथ डिवाइड करेंगे, 8/14 14x डिवाइड बाय 14, 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। रिमेनिंग वैल्यू 4/7 इज इक्वल एक्स, एक्स इज इक्वल 4/7, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 2/3x माइनस 1/2 इज इक्वल 7/6 प्लस 1/2x। अब यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आया है 6। अब यहाँ पे एलसीएम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 2/3x मल्टीप्लाई 6 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 7/6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/2x मल्टीप्लाई 6। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। रिमेनिंग वैल्यू 2 × 2 = 4, एक्स माइनस 3 × 1 = 3 इज इक्वल 7 प्लस 3 × 1 = 3, यहाँ पे राइट है x। 4x माइनस 3 इज इक्वल 7 प्लस 3x। अब यहाँ पे 3x को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट है प्लस 3x, दोनों तरफ राइट करेंगे माइनस 3x, यहाँ पे राइट करेंगे 4x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल 7 प्लस 3x माइनस 3x। 3x 3x के साथ सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 4x में से माइनस करेंगे 3x, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल 7। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस 3 को, दोनों तरफ राइट करेंगे प्लस 3, यहाँ पे राइट करेंगे x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल 7 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 के साथ ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल 7 में 3 ऐड करेंगे 10, x इज इक्वल 10, इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 5/4x प्लस 3 इज इक्वल एक्स माइनस 1/4। अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यूज़ के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 5/4 एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, रिमेनिंग वैल्यू 5x प्लस 3 × 4 = 12 इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 × 1 = 1। अब यहाँ पे 4x को सॉल्व करेंगे, 4x के साथ प्लस का साइन है, दोनों तरफ राइट करेंगे माइनस 4x, यहाँ पे राइट करेंगे 5x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल 4x माइनस 4x माइनस 1, 4x 4x के साथ ऑफ हो जाएगा, 5x में से 4x माइनस करेंगे x प्लस 12 इज इक्वल माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस 12 को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ राइट करेंगे माइनस 12, एक्स प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल माइनस 1 माइनस 12, प्लस 12 माइनस 12 के साथ ऑफ हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 12 में 1 ऐड करेंगे माइनस 13, x इज इक्वल माइनस 13, इट इज आंसर।